दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए Mi 11 Lite का एक कंप्लीट PUBG गेमिंग टेस्ट लेके आया हूँ। इस फोन में हमें Snapdragon 732G का चिपसेट मिलता है जो कि PUBG में हमें मैक्सिमम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक का फ्रेम रेट दे सकता है। अब Redmi Note 10 Pro में भी हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलती है और एक्सटर्नल फाइल का यूज़ करके हम लोग ग्राफिक्स को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस फोन में ये चीज़ काम नहीं कर रही थी तो हम लोग इस फोन के डिफॉल्ट ग्राफिक्स पे खेलेंगे, यानी स्मूथ प्लस अल्ट्रा का एक PUBG गेमिंग टेस्ट होने वाला है। ये FPS मीटर मेरा ऑन रहेगा और 30 मिनट तक हम लोग गेमिंग करेंगे और इस टाइम में जो भी बैटरी ड्रॉप आएगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मेरे पास है Mi 11 Lite और अगर आपके इसके मैं ग्राफिक सेटिंग्स दिखाऊं तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा सपोर्ट करता है ये, बैलेंस प्लस अल्ट्रा एंड HD प्लस हाई। और बाकी बात करें तो कलरफुल स्टाइल है, एंटी एलियासिंग डिसेबल्ड है, ब्राइटनेस फुल पे है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो आपको स्क्रीन पे एक FPS मीटर नज़र आ रहा होगा, करंटली मुझे 39-40 FPS के अराउंड मिल रहे हैं। तो ये FPS मीटर हम लोग यूज़ करेंगे और 30 मिनट्स तक हम लोग PUBG को खेलेंगे और इस टाइम पे जो भी बैटरी ड्रेन आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त आपको फ़ोन की बैटरी दिखा देता हूँ। फ़ोन इस वक्त है 78% पे और टाइम हो रहा है 11:52 PM। सो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं एक क्रैकिन के मैच से। सो टाइमर को भी स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैच को भी स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको स्क्रीन पे FPS मीटर क्लियरली नज़र आ रहा होगा और अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी स्टार्ट करूंगा तो लैंडिंग के टाइम पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इस फ़ोन से दिखाऊंगा। 1080p 16 Mbps और 30 FPS रिकॉर्डिंग होने वाली है जो कि मैक्सिमम इस फ़ोन पे सपोर्टेड है। तो मैं आपको दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग और हैंड कैम दिखाने वाला हूँ। Watch out! Marked a location. Watch out! तो अभी जो हमारा पहला मैच है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बट बीच में हमने मैच को एग्ज़िट कर दिया क्योंकि मेरी गेम ग्लिच हो गई थी और फॉर सम रीज़न ना मैं सेकंड वेपन नहीं उठा सकता था। तो अभी हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे क्रैकन का दूसरा मैच और 10 मिनट हो गए तो स्टार्ट करते हैं इस मैच को। वॉच आउट।
विस्तार ना देखना होगा। Watch out! Unstoppable! Clear! Reloading! Killing spree for the blue team! Enemy down! Cover me! Reloading! Killing spree for the blue team! Reloading! Cover me! Target down! Reloading! Cover me! Kill! Target down! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Killing spree for the blue team! Clear. Reloading! Blue team victory! तो दोस्तों इस वक्त हमारे 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग इस टेस्ट को इधर ही एंड करेंगे। अगर मैं आपको बैटरी परसेंटेज दिखाऊं तो इस वक्त मेरे फ़ोन की बैटरी 65% है, तो ऑलमोस्ट यहां पे जो है 13% का इस फ़ोन में ड्रॉप आया है। आधे घंटा अगर आप गेमिंग करोगे तो 13% आपकी बैटरी ऑलमोस्ट ड्रॉप होगी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल लगी, काफ़ी अच्छी लगी। ऑल्दो आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती जितनी आपको एक 60 FPS वाले डिवाइस में मिल जाती है, लेकिन जहां तक बात है 40 FPS गेमिंग की तो काफ़ी कांस्टेंट फ्रेम रेट इसने मेंटेन की। ऑल्दो कुछ फाइट्स के टाइम पे फ्रेम रेट थोड़ा नीचे आ गया था, अराउंड 29-30 इस पॉइंट पे फ्रेम रेट हिट कर रहा था, बट स्टिल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और 40 FPS के हिसाब से आई थिंक इस फ़ोन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो दोस्तों ये था इस डिवाइस का एक पबजी गेमिंग टेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।